हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है सब्सक्राइबर गाइस, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया और हम वेट कर रहे हैं। Hey guys, welcome back to our new blog. कैसे हैं सभी, होप अच्छे होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आपका साधार साधार स्वागत है। ये मैसेज आ रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी सही हो जाओ और हमारी दुआ है और पैर ठीक हो जाए आपका। तो आप लोगों की दुआ लग गई और मेरा पैर जल्द से जल्द ठीक हो चुका है, पैर ठीक हो चुका है और स्वेलिंग भी कम हो चुकी है। मैं बयान को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि इसकी आईज में हो रहा है इन्फेक्शन। तो मैंने सोचा लापरवाही ना करके इसको फटाफट से लेके जाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी हो रही है तो बच्चों को वायरल इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो उस वजह से मैंने सोचा है कि इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हूँ नानू के साथ। तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, तो मिलते हैं आपको डॉक्टर के यहाँ पे। मैं हूँ बयान को लेके डॉक्टर के यहाँ पे। बयान की आईज में वायरल इन्फेक्शन हो रहा था तो वही दिखाने आई हूँ बयान को नानू के साथ। बयान इधर देखो, सबको हाय बोल दो। हाय बोल दो सबको। बहुत तेज हो रही है और हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब कोई बोलता है तो मियान भी उसका रिप्लाई करता है। वहाँ पे छोटी सी बेबी गर्ल है, वो चिल्ला रही है तो मियान भी उसका रिप्लाई कर रहा है। और आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है आई का बच्चों को, तो आप लोग भी ध्यान रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बच्चों को फैल रहा है, तो वो आप लोग भी ध्यान रखें। हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है सब्सक्राइबर, अपने बारे में बताओ थोड़ा। माय नेम इज तेजस्वी। सो आज मुझे यहाँ पे क्यूट सा बयान मिला है और मैं उसकी फ्रेंड बन गई। मतलब गाइस, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया और हम वेट कर रहे हैं। बयान के चलते शैतानी पीछे गर्ल के आईज में ड्रॉप पड़ी है, जिससे उनको थोड़ा देर बाद धुंधला दिखेगा। आजकल आई साइड बहुत वीक हो रही है बच्चों की, तो बयान उन्हीं को देखने में लगा हुआ है पीछे। मिली है एक फ्रेंड पर हैं बड़ी, वो हेलो बोल रही हैं और बयान शर्मा रहा है। बयान शर्मा रहे हो आप? हेलो कर दो, आप भी हेलो करो, हेलो कर दो। ओ कर दी, आप तो जान पहचान बढ़ गई। बताओ दीदी को। बयान, बयान बताओ आइस कहाँ है आपकी, बता दो। अच्छा नोज पूछना चल, नोज बताओ। अच्छा गीला हो गया, कोई बात नहीं, आप नोज बताओ। तो ये दोनों बन गए हैं फ्रेंड। बयान देख रहा है गाइस स्पेक्स। बयान स्पेक्स देख रहे हो आप? देखो कौन सा वाला चाहिए आपको इसमें से, ये वाला, ये वाला। ओके ये वाला चाहिए बयान को। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर। धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है तो मैंने सोचा बयान को बाहर का कुछ ना खिला के उसको घर में गुलकोंडी या नींबू पानी दूंगी। तो नींबू पानी बनाने नहीं दे रहा है क्योंकि इसका हो गया सोने का टाइम, परेशान कर रहा था। तो इसको मैंने दे दिया गुलकोंडी और हम पी रहे हैं गुलकोंडी। और अब इसके आइस में आई ड्रॉप डाल के मैं इसको सुला दूंगी, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा इसको, आराम मिल जाएगा। तो बयान को हो रहा है अब गुलकोंडी का टाइम और मैं भी पी रही हूँ गुलकोंडी। तो मैं आई हूँ व्यान को लेके खेलने के लिए, पर इसकी आवाज बाहर निकलती नहीं है, ये शांत रहता है। ये देखो ये शांत खड़ा हुआ। वीनू, वीनू आप भी बनाओ व्यान इनके साथ। कैसे बना रहे थे आप? दीदी सिखाएंगी। दीदी इनको भी सिखाओ, दीदी ये बेटे को भी सिखाओ, छोटे बेटे को। हाँ चुटकू सा दे दो पत्थर। व्यान को भी सिखाओ, कैसे सिखाते हैं बनाना सिखाओ। अरे वाह व्यान तो खुद बना रहा है। बनाओ बनाओ बनाओ। वो देखो दीदी कैसे बना रही है, यहाँ देखो, यहाँ देखो दीदी कैसे बना रही है। गाइस मैं आई हूँ घर, हम घूम कर आए तो देखा मम्मी ने आज खाना भी बना दिया। और एक स्पेशल जो राजस्थानी डिश होती है वो हमारे घर में बनती है, क्योंकि मम्मी की एक फ्रेंड ने बताया था, तो वो मतलब बनती है और हमें अच्छी भी लगती है। और मम्मी ने आज पापड़ भी तल दिया। ऐसे मौसम में आजकल मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, जैसे आप ब्लॉग्स में देख रहे हो। बन रहे हैं बेसन के गट्टे, ये है बेसन की सब्जी, इसको बोलते हैं बेसन के गट्टे। तो प्याज व्याज डल के ग्रेवी करके तब ये तैयार हो जाएगा। और ये गर्मा गर्म पापड़ तल रखे हैं मम्मी ने। और क्या तलोगे मम्मी, क्या बनाओगे? पुदीने की पकौड़ी। पुदीने की पकौड़ी भी बनती है? चलो पुदीने की पकौड़ी भी आज
देखते हैं खा के कि कैसी बनती है। तो मैं आई हूँ वियान के लिए बिस्किट्स लेने। नानी ने कहा है वियान के लिए बिस्किट लेके जाओ। कौन से वाले बिस्किट बताओ? कौन से वाले बताओ? ये वाले? ये नहीं बेटा, ये दूध वाले ले लो आप। आटे के हैं ये ना। शैतानी मत करो यहाँ पे, इसको मत छेड़ो। लगा दो मीनू के। जय हो। जय। इतने बड़े हो गए चमन जी। हाथ जोड़ के नमस्ते। जय करो नानी को। ये जोड़ दिया उसने वहाँ। नाना नानी और दादा दादी को भी जोड़ दिया बड़े। दादा दादी और नाना नानी बड़े, उनको भी जोड़ रहा है वो। बेसन के गट्टे बन के तैयार हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ बेसन के गट्टे। ये बन गए बेसन के गट्टे। तो ये होती है राजस्थानी डिश जो स्पेशल बेसन की बनती है, जो बहुत ही ताकतवर होती है। अब एक रोटी बन रही है तंदूरी रोटी, पानी के हाथ की बनाती है मम्मी घी के हाथ से। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा अपने लिए जब मन करता है तो मैं वो बनाती हूँ। आज मम्मी बना रही हैं तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसी होगी। तो गाइस ये आ गई है मेरी तंदूरी रोटी घी के हाथ की, और ऊपर से घी और नमक मिर्च उपड़ के मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। ये लड़की कौन है? वही वही लड़की कौन आ रही? ये लड़की कौन है? देखना इसके ड्रामे। ये लड़की कौन है? वाह क्या सीन है। तो गाइज हमारे रूम में ना लिजर्ड आ गई थी, बहुत छोटी सी थी, तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा चल सो जाते हैं, पर रात में डर लगता है तो सी। तो भाई सो गया था तो मैंने कहा चल उठाती नहीं हूँ, तो खुद ही सोचा कर देते हैं काम। और निकाला बेड के नीचे से उसको और कर दिया काम। तो क्या नाचो मैं? मम्मा बू। और ये हमने लीजर्ट का कर दिया काम, और पूंछ उसकी हिल रही है। जैसे छोटा बेबी था ना, बड़े से डर लगता है ना मीनू। ये देख बड़े से डर लगता है ना हमको, छोटे से नहीं लगता ना। हाँ वो देखो। तो गाइस हमारे घर में आई है अरसे। मैं पहाड़ी एरियो में शादी में मिठाई के रूप में दिए जाते हैं आटे चावल, और गुड़ से ये आटा गूंदा जाता है और ये उसके बाद पूरी की तरह तले जाते हैं। मेरे को बहुत पसंद है ये। होप आपको भी इसकी नॉलेज होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वियान देख रहा है अरसे। थैंक यू। बाय बाय।